सो आजकल यूज बाइक्स की डिमांड कुछ ज्यादा हो गई है, सो इसलिए आज हम कवर करने आए हैं कुछ टॉप नॉच बाइक्स जो की होंगी KTM, ड्यूक और R15। इस तरह के बाइक्स आज हम कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपको मिलवाते हैं आज के हमारे को होस्ट से, जिनका नाम है हरमीत भैया। क्या हाल है भैया? मैं बढ़िया, आप सुनाइए। तो भैया किस रेंज से बाइक वगैरह अपने पास हैं आज? सर हमारे पास सारी ऊंची की ऊंची गाड़ियाँ भी हैं। अच्छा। और साथ में जो मिनिमम रेंज की गाड़ियाँ भी हमने चालू करी हैं। अच्छा। उसके अंदर स्कूटीज बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपने इतना जो बढ़िया लाइनअप लगाया हुआ है तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में क्या कहें, ये तो हमारा जो प्रोफेशनल जो भी बिजनेस है हमारा, बिल्कुल ये तो हमको रखना पड़ेगा ही, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड्स आती हैं। बिल्कुल सर, तो ये रखना पड़ता ही है। बुलेट्स होगी, स्पोर्ट्स बाइक होगी, अपाची होगी, R15 होगी, RC होगी। तो मतलब अपने पास 125cc से और 310cc तक की सारी स्पोर्ट्स बाइक अवेलेबल है। जी, सारी स्पोर्ट्स सारी अवेलेबल रहेंगी। और लोन वगैरह भी इन पे हो पाएगा? जी जी सर, लोन्स तो सर इस टाइम पे जो मेन जो है पर्पज है वो लोन का ही है, और लोन हम कराते ही हैं। कराते ही हैं। हाँ, बताया जैसे कि बताते हैं आपको कि जैसे सिविल अच्छा होगा तो आपको 85% फंडिंग कर देंगे हम। अच्छा। जैसे 1,00,000 रुपए की गाड़ी है उसमें 15,000 डाउन पेमेंट देके 85,000 का लोन हो जाएगा। लोन हो जाएगा। अगर बहुत अच्छा सिविल है, ठीक है, तो 95% भी करते हैं। 95% भी? मतलब ऑलमोस्ट सारा लोन कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और कितनी लेटेस्ट बाइक होती है, मतलब जैसे 12 मॉडल के बाद शायद लोन होता होगा? हाँ, 12 मॉडल के बाद लोन होता है। 12 मॉडल के बाद भी जैसे 13, 14, 15, 16 मॉडल हो गए, ठीक है, उसमें भी हम कर देते हैं। 13, 14 पे थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वैल्यू देखी जाती है ना उसकी। बिल्कुल। उसके बाद आपका जो लोन है उसमें हम 90-95% फंडिंग कर देंगे। कर देते हैं, कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं चमचमाती बाइक के बारे में, तो क्या इसकी डिटेल्स वगैरह रहेंगी? इसकी डिटेल्स सचिन ये है, 2018 मॉडल है, ब्रांड न्यू पीजा गाड़ी आप देख रहे हो, ठीक है, ऑनर सेकंड है। अच्छा। गाड़ी से मात्र चली है 8500 किलोमीटर। 8500 किलोमीटर? हाँ जी। इतने में तो कुछ नहीं बिगड़ता गाड़ी, कुछ नहीं बिगड़ता। नई गाड़ी जो इस टाइम पे चल रही है 3+ है, 315 की है, 320 की है अमेरिका से। बिल्कुल। तो इसका जो हमने प्राइस रखा हुआ है बहुत नेगोशिएबल रखा हुआ है, फिर भी नेगोशिएबल करेंगे, कर देंगे। इसकी जो हमने डिमांड रखी हुई है वो मात्र सिर्फ 1,55,000 रुपए रखी हुई है। मतलब गाड़ी के पैसे आधे कर दिए। आधे कर दिए। और मॉडल कौन सा था इसका? और ये 2018 मॉडल है, 318। 2.5 साल के अंदर ही गाड़ी के पैसे आधे हुए, आधे कर दिए। और उसके बाद भी वो नेगोशिएबल करेंगे इसमें हम। बाकी इस बाइक के अंदर रेडिएटर देखने को मिल जाता है, रेडिएटर, डबल डिस्क रहेगी, डबल डिस्क है, ABS है इसमें, ABS भी रहेगा, ABS भी है, डबल डिस्क है, और इसकी मेंटेनेंस कुछ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अपाची TVS की मेंटेनेंस नहीं होती, ड्राइवर ग्रीन है। चलिए बात करते हैं हमारी वीडियो की सेकंड बाइक के बारे में, जो होगी MT15। तो इसके बारे में क्या डिटेल रहेगी? ये 2019 मॉडल है और गाड़ी आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। गाड़ी वहाँ पर बहुत, जो भी गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ पर स्टॉक बहुत साफ खड़ा हुआ है, और गाड़ी ये चली हुई है 14,000 के आसपास चली गई। अच्छा। गाड़ी बहुत अच्छी है। गाड़ी का जो हमने इसका आस्किंग प्राइस रखा है वो 125 रखा हुआ है। 125,000। और कलर वगैरह भी काफी ठीक लग रहा है गाड़ी कलर का। हाँ, नेवी ब्लू कलर है, बहुत अच्छा कलर है, और गाड़ी अच्छी है। चलने वाइज कैसी रहेगी? बहुत अच्छी गाड़ी है, और 6 गियर रहता है इसके अंदर। हाँ जी, हाँ जी, 6 गियर रहता है। गाड़ी अच्छी है, डिस्क वगैरह है, सबको डबल डिस्क है इसमें भी। और गाड़ी की जो है वैसे भी इस टाइम पे यामा, जो यामा का नाम है गाड़ी का। बिल्कुल, ठीक है ना। गाड़ी बहुत अच्छी है, और गाड़ी का जो हमने आस्किंग प्राइस 125 रखा हुआ है। ये जो R15 150cc अपने पास खड़ी है, क्या डिटेल रहेगी इसकी? ये 2019 मॉडल है, ये भी अब डबल डिस्क गाड़ी है, 12,000 के आसपास चली हुई है। 12,000 चली हुई है, इतनी तो चली जाती है। विद सर्विस रिकॉर्ड चली हुई है। सर्विस रिकॉर्ड गाड़ी चली हमारी। और कंडीशन वाइज? कंडीशन बहुत अच्छी है गाड़ी की, और गाड़ी का जो इस टाइम पे हमने जो डिमांड रखी हुई है इसकी 1,28,000 रखी हुई है। 128? हाँ, वो अभी नई गाड़ी है, 180+ है। अच्छा। फिर भी हम इसके अंदर नेगोशिएबल करेंगे। नेगोशिएबल कर देंगे, नेगोशिएबल। 6 गियर रहेंगे इस बाइक के अंदर। जी, जी। और एवरेज क्या दे देगी ये? एवरेज नॉर्मल 150 है। अच्छा। तो इसकी एवरेज वही आती है 40-45 प्लस देती है। बाकी इसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। हाँ, फ्यूल इंजेक्टर। और ड्यूअल डिस्क रहेगी। हाँ जी। KTM 125, ये KTM 125 2019 मॉडल है, और गाड़ी बहुत अच्छी है। इसमें कितने खूबसूरत ग्राफिक्स वगैरह लगे हुए हैं? ग्राफिक्स बहुत लगे हुए हैं, क्योंकि गाड़ी चलती ज़्यादातर ग्राफिक्स लगे हों। बिल्कुल। मेरे हिसाब से तो ये जो ग्राफिक्स हैं, कम से कम इसकी जो प्राइस इस बंदा लगाए हैं 10-15 हज़ार के ग्राफिक्स लगे हैं। बिल्कुल, जो इसकी लुक को बढ़ा दे रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी आप देख ही रहे हो।
गाड़ी की आप बाकी कंडीशन देख ही रहे हो, 2019 मॉडल है, ठीक है। इसकी जो हमने डिमांड रखी है वो रखी है 1,45,000। हाँ जी। और न्यू कितने का राउंड आती है ये? न्यू राउंड तो ये 1,78,000 या 1,80,000 के आसपास है। 1,80,000 राउंड, मतलब 35 से 40,000 रुपए की सेविंग हो रही है। हाँ जी। और चली कितने राउंड होगी हमारी बाइक? वही देख के बता रहा था आपको, ये जो चली हुई है 11,000 के आसपास चली गाड़ी। 11,000 विद सर्विस रिकॉर्ड? सर्विस रिकॉर्ड है। अच्छा, कोई उसमें नहीं रहेगा? कुछ नहीं रहेगा उसमें। 2021 मॉडल की डोमिनार हमारे पास भैया ने खड़ी करवा रखी है, तो भैया इसके बारे में? ये सचिन, ये 250 cc है जो लेटेस्ट आई है अभी, ठीक है। इसकी जो बिलिंग है 180 की है। 180 की, मतलब जो नई गाड़ी की है, 180 प्लस कंपनी बिलिंग है। हाँ, गाड़ी से भी मात्र चली 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर? हाँ, सिर्फ 800 किलोमीटर गाड़ी चली है, ठीक है। और गाड़ी जो है ये 3 से 4 महीने पुरानी गाड़ी है। चार महीने पुरानी गाड़ी है। चली कुछ भी नहीं है? चली कुछ भी नहीं है। जिसका हमने एस्क्यू प्राइस रखा हुआ वो रखा हुआ हमने 1,65,000। कंपनी में 180 की रहेगी? 180 से ऊपर की है नहीं गाड़ी। अच्छा, ऑन रोड? ऑन रोड है, ठीक है। हम इसके अंदर जो जिसको गाड़ी देंगे 165 की गाड़ी है, ठीक है, ठीक है। एक तो 15,000 रुपए पहले कम हो गए न्यू मॉडल से, 182 की नहीं है, 17,000 ही कम हो गए, ठीक है। प्लस जो इसके चार्जेस हैं, जो गाड़ी नाम होती है इसके, जो प्लस जो हम जो 25,000 रुपए हमारे लगते हैं जो ट्रांसफर के लगते हैं, ठीक है, तो हम वो साथ में इसको करके देंगे। साथ करके देंगे, मतलब वो इसी के अंदर हो गया? वो हम इसी के अंदर करके देंगे, ठीक है। 1,65,000। बाइक तो बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रही है। 20,000 का डिस्काउंट मिल गया, और क्या चाहिए? बिल्कुल। और 250 cc में रहेगी? 250। 6 गियर रहेंगे इसके अंदर भी? हाँ, इसके अंदर भी 6 गियर। और कंडीशन वाइज ओके है? कंडीशन वाइज ओके है। ये कितने डाउन पेमेंट मिल जाएगी? ये अगर आपको लेनी है ये भी हम दे देंगे 30-35,000। 30-35,000 रुपये में। और ये NS200 के बारे में बताइए। ये NS200 2019 मॉडल है, मात्र सिर्फ 10,500 गाड़ी चली है। 10,500? ये समझ लो कि गाड़ी बिल्कुल नई पड़ी है, मतलब 10,500 मीटर कह रहा है ना, तो ये मेरे हिसाब से मैं गाड़ी, कोई भी गाड़ी चलाएगा ये नहीं कहेगा कि 10,000 चली, 2,000 चली है। 2,000 चली, मतलब बिल्कुल जेन्युइन चली हुई एकदम, बिल्कुल जेन्युइन गाड़ी है। बाकी इसका जो हमने आस्किंग प्राइस रखा है 1,10,000 रखा हुआ है। 1,10,000। हाँ। न्यू कितने का राउंड है ये? न्यू तो महंगी है इस टाइम पे, न्यू इस टाइम पे 1.5 प्लस की है। 1.5 प्लस की है। हाँ। और सर्विस वगैरह कंपनी से हुई है? सर्विस वगैरह सब कंपनी से हुई है, गाड़ी ब्रांड न्यू है पूरी, ऑल ओवर ओरिजिनल है, 7 के टायर है। इस पर भी हम नेगोशिएबल करेंगे, इस पे भी गाड़ी हम देंगे 15,000 देके, गाड़ी ले जाओ। अच्छा, 15,000 मात्र 15,000 में मिल जाएगी। 1,10,000 रुपये गाड़ी है। फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर। और ये FG के बारे में? ये FG 2019 मॉडल है, बहुत अच्छी गाड़ी है, नंबर VIP है, 4800, ठीक है। सिंगल ओनर गाड़ी है, इसका जो हमने आस्किंग प्राइस रखा हुआ वो रखा हुआ 88,000। नई गाड़ी 1.5 प्लस है? नई गाड़ी 145 प्लस है। 145 प्लस है। बाकी चलने में तो बाकी बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है। आपको भी बार बार वही रिपीट करने की हमें जरूरत नहीं है, बिल्कुल। सर्विस इसके अंदर फ्री है, 150 cc गाड़ी है, ठीक है। साथ में एक हेलमेट हम साथ देते हैं। अच्छा, सर्विस साथ देते हैं। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कोई छोटी मोटी दिक्कत हो सर्विस में, वो भी हम कराते हैं। इंक्लूड है वो? इंक्लूड कराते हैं। और ये अपाची 200? ये अपाची 200 2018 मॉडल टॉप मॉडल है, ठीक है। ये वाला मॉडल 4V में जो आया, इसका जो हमने आस्किंग प्राइस रखा वो हमने रखा हुआ है 82,000 रहेगा। और नई गाड़ी 1.5 लाख की है। 1.5 लाख की है। नई वर्जन 3 रहेगा? वर्जन 3 रहेगा, बहुत अच्छी गाड़ी है। कंडीशन वाइज ओके है? कंडीशन आप देखिए, जो ब्रांड में पीस है। और ये एक और थंडरबर्ड के बारे में? थंडरबर्ड एक्स, ये बुलेट्स है, ये 2019 मॉडल है। इसका जो हमने आस्किंग प्राइस रखा हुआ है, ठीक है, वो हमने रखा हुआ 155। 155। नई गाड़ी 2.5 प्लस है? 2.5 प्लस है। और कंडीशन वाइज ये भी ओके रहेगी? हाँ। और साथ में आपके साथ क्लासिक के बारे में? ये क्लासिक जो है ये आप देखो जरा, HR नंबर है, 2019 मॉडल है, ठीक है। इसका जो हमने आस्किंग प्राइस रखा है वो 1,45,000 रखा है। 145 रखा हुआ है। और वो एवेंजर के बारे में? एवेंजर 2018 मॉडल है, उसका आस्किंग प्राइस हमने 55,000 रखा हुआ है। 55,000 18 मॉडल, फर्स्ट ओनर? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 2018 मॉडल है, ब्रांड न्यू पीस है पूरी, और इनोला बफिंग हुई है, ठीक है। इसका जो हमने आस्किंग प्राइस रखा हुआ है 1,32,000 रुपये। 1,32,000। हाँ, बाकी नेगोशिएबल करेंगे हम, ठीक है। और ये एलॉय लगे हुए हैं इसके अंदर? ये भी देखो अच्छा नंबर है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा नंबर भी होती गाड़ियाँ। इसका जो आस्किंग प्राइस है 1,28,000 रुपये 18 मॉडल का, ठीक है। इस पर भी हम नेगोशिएबल करेंगे, नेगोशिएबल करवा देंगे। और ये स्टैंडर्ड देख रहे हो, स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी गाड़ी है, अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं। 2019 मॉडल है, ठीक है। इसका जो आस्किंग प्राइस रखा हुआ है वो हमने रखा हुआ है 1,32,000 रुपये। 1,32,000। ये 2014 मॉडल है, ये देंगे 45,000। 45,000 पूरी ओरिजिनल गाड़ी है, 2014 गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी, कंडीशन है, ये भी ओके रहेगी, बहुत अच्छी गाड़ी है। बाकी शीशे वगैरह लगवा देंगे? हाँ, शीशे वगैरह लगवा देंगे, लगवा के देंगे। हाँ, नेगोशिएबल आप करवा? हाँ, नेगोशिएबल करेंगे, ठीक है।